कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। सौतेली माँ का अत्याचार। बहुत समय पहले की बात है, राघव नाम का आदमी अपने दोनों बेटियों के साथ रहा करता था। उसके बड़ी बेटी का नाम था सुहानी और दूसरी बेटी का नाम था शिवानी। दोनों भी बहनें बहुत ही समझदार थी। उनकी माँ शिवानी छोटी थी तभी गुजर जाने की वजह से सुहानी कम उम्र में ही बड़ी हो गई थी। वो घर के सारे काम किया करती थी और शिवानी छोटी होने के कारण उसका भी ख्याल रखा करती थी। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। अब थोड़े दिनों बाद सुहानी की शादी सचिन के साथ हो गई। सचिन एक बहुत ही समझदार और अपना खुद का व्यवसाय करने वाला आदमी था। उसके साथ शादी कर सुहानी उसके साथ चली जाती है। इधर शिवानी और राघव अब दोनों अकेले ही रहा करते थे। एक दिन, पिताजी, जब से दीदी ससुराल गई है तब से घर खाली खाली लगने लगा है। हाँ बेटा, सुहानी के बगैर ये घर बहुत सुना लगता है। पिताजी, मैं कॉलेज जा रही हूँ, अब खाना खा लेना। बाय पिताजी। बाय बेटा, शाम को घर जल्दी आना। हाँ पिताजी। अब शिवानी कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। कुछ दिनों बाद दिवाली आती है। शादी के बाद पहली दिवाली होने के कारण सुहानी अपने मायके आती है। तभी शिवानी सुहानी से, अरे मेरी प्यारी दीदी, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सच में मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया शिवानी। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या खुशखबरी है दीदी, जल्दी बताओ। तुम मासी बनने वाली हो और आप नाना जी बनने वाले हैं पिताजी। सच में? हाँ। ऐसा कहकर सुहानी कुछ दिन अपने पिताजी के यहाँ रहकर फिर अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिनों बाद सुहानी एक नन्ही गुड़िया को जन्म देती है और उसका नाम परी रखती है। अब कुछ साल बीत जाते हैं। परी अब बड़ी हो जाती है। अब वो स्कूल जाने लगी थी। कुछ काम की वजह से सुहानी के घर शिवानी आ जाती है और परी के साथ खेलने लगती है। वहाँ परी के साथ उसका समय कैसे चला जाता है उसे पता भी नहीं चलता। एक दिन सुहानी घर का कुछ सामान लाने के लिए बाजार चली जाती है। घर लौटते वक्त एक बड़े से ट्रक से सुहानी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके सर से बहुत खून निकलना शुरू हो जाता है। वहाँ के लोग उसे अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। ये खबर सचिन को मिल जाती है। तभी सचिन शिवानी को फोन करके सारी बातें बताता है। शिवानी की तो धड़कन तेज हो जाती है। वो परी को लेकर रोते रोते अस्पताल चली जाती है। क्या हुआ है जीजा जी, दीदी कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा? उन्होंने 24 घंटे का समय दिया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है। ए भगवान, मेरी सुहानी को बचा लेना। तभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। सचिन डॉक्टर को देखते ही उनके पास जाकर उनसे पूछता है, डॉक्टर साहब सुहानी कैसी है? हमारी ओर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सचिन। डॉक्टर साहब, कैसे भी करके आप मेरी सुहानी को बचा लीजिए प्लीज। ऐसा कहकर सचिन रोने लगता है। सचिन को रोते देख परी और शिवानी भी रोने लगती है। तभी दूसरे डॉक्टर बाहर आकर सचिन से, सॉरी सचिन, आपके बीवी का बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हम उन्हें नहीं बचा सके। डॉक्टर की बात सुनकर सचिन और शिवानी बहुत रोने लगते हैं। तभी सचिन सुहानी के पास जाकर, तुम मुझे इसे छोड़कर नहीं जा सकती सुहानी। ऐसा कहकर सचिन जोर जोर से रोने लगता है। अब कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। परी को माँ की कोई कमी ना हो इसीलिए सचिन की माँ गीता हिम्मत जुटाकर सचिन से कहती है, बेटे कब तक तुम ऐसे ही सुहानी के यादों में अपनी जिंदगी गुजारोगे? तुम अब एक पिता भी हो और पिता होने का फर्ज भी तो तुम्हें निभाना है। उस मासूम परी की ओर देखो बेटा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि परी को माँ के प्यार की जरूरत है? तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मगर माँ, मैं दूसरी शादी कैसे करूँ? क्या तुम्हें लगता है सुहानी जितना प्यार कोई परी को कर पाएगा? बेटा ये मुझे पता है, मगर परी को माँ के प्यार की जरूरत है, ये याद रखना। मैं सोचता हूँ। ऐसा कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद सचिन की माँ गीता अपने बेटे का रिश्ता लेकर शिवानी के घर चली जाती है। तभी शिवानी के पिता राघव गीता जी से, आइए ना गीता जी, हमारी परी कहाँ है, वो नहीं आई? अरे नहीं भाई साहब, मैंने परी को नहीं लाया, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ।
हाँ बोलिए ना, आपको क्या बात करनी है? भाई साहब, मैं सोच रही हूँ कि अगर शिवानी बेटी की शादी सचिन से हो जाए तो अच्छा रहेगा। मेरी परी की जिंदगी सवर जाएगी, उसे उसकी माँ से ही माँ के रूप में मिल जाएगी। गीता जी, परी मेरी भी तो पोती है, मुझे भी उसकी बहुत चिंता है, लेकिन मुझे एक बार आप शिवानी से बात करने दीजिए। मैं शिवानी से बात करके आपको बताता हूँ। बहन आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जी भाई साहब, आप मुझे फोन पर बता देना। जी मैं आज ही शिवानी से बात करके आपको बताता हूँ। ठीक है भाई साहब, मैं चलती हूँ, घर पर परी अकेली है। जी। ऐसा कहकर गीता वहाँ से चली जाती है और राघव शाम को शिवानी से पूछते हैं। अरे शिवानी बेटा, मैंने तुम्हारी शादी करने की सोची है, क्या तुम शादी करने के लिए तैयार हो? जैसा आप ठीक समझो पिताजी। शिवानी बेटे, आज गीताजी हमारे घर पर आई थी, उन्होंने सचिन के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी, मैं मेरी बहन की जगह कैसे ले सकती हूँ? मुझे पता है शिवानी बेटा, मगर परी को माँ का प्यार तुम ही दे सकती हो, कोई और लड़की तुम्हारे इतना प्यार परी को नहीं कर सकती, इसलिए मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। और हाँ, तुम्हारा जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर होगा, मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी शादी कभी नहीं करूँगा बेटा। शिवानी पूरी रात सोचती रही और दूसरे दिन अपने पिताजी के पास जाकर, मैंने बहुत सोचा पिताजी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, मेरे परी को माँ मिल जाएगी, उससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। मुझे तुम पर नाज है मेरी बच्ची। ऐसा कहकर राघव ये बात गीता जी को फोन करके बताता है। गीता भी बहुत खुश हो जाती है, उनकी शादी बहुत कम लोगों में होती है। अब शिवानी सचिन की दूसरी पत्नी बनकर उस घर में आती है। शिवानी का रवैया घर वालों के प्रति बहुत अच्छा होने के कारण वो जल्द ही उस घर में सब सीख जाती है। वो परी का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखा करती थी, उसका खाना पीना तथा उसका स्कूल से जाने तक का सारा काम शिवानी खुद से किया करती थी। ये सब देख सचिन की माँ गीता भी बहुत खुश थी, मगर बुढ़ापे में लंबी बीमारी के कारण सचिन की माँ चल बसी। बाद में उनके परिवार में सचिन, परी और शिवानी रह गए। अब ऐसे ही एक साल बीत जाता है, शिवानी एक सुंदर से लड़के को जन्म देती है। परी भी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके साथ खेलने के लिए उसका भाई आया था। अब शिवानी अस्पताल से घर पर आती है और शिवानी के मन में एक विचार आता है, अब मेरे बच्चे के सारे अधिकार इस परी के साथ बांटे जाएंगे, मुझे खुद को बदलना चाहिए, मुझे मेरे बेटे के बारे में सोचना चाहिए। अब शिवानी का परी के प्रति व्यवहार बदल जाता है, वह उससे सौतेले जैसा व्यवहार शुरू कर देती है। परी को समझ में ही नहीं आता कि उसकी माँ को हुआ क्या है। तभी परी शिवानी से, माँ तुम अब मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती हो, मैं तो तुम्हारी परी हूँ ना। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं मेरे बच्चे की माँ हूँ, तुम्हारी मैं मासी हूँ, समझी, मुझे तुम मासी ही कहा करो और मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना, समझी। हाँ माँ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। अब शिवानी परी को बहुत भला बुरा कहने लगी थी, उसे घर के सारे काम करवाती थी। ऐसे ही एक दिन शिवानी अपने घर के बड़े बड़े बर्तन निकालकर उसे साफ करने के लिए देती है। तभी परी अपनी मासी से, मासी मेरे से ये बर्तन उठाए नहीं जाते, मैं इन्हें कैसे साफ करूं? वो मुझे नहीं पता, मुझे शाम तक सारे बर्तन साफ चाहिए, समझी। ऐसा कहकर शिवानी वहां से चली जाती है। अब परी को उसकी बात पर रोना आता है और अपनी माँ की उसे बहुत याद आती है। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, यहाँ सब लोग बुरे हैं। परी फूट फूट कर रोने लगी। उसकी ये बातें शिवानी के कान पर पड़ती है और वो वहीं से मुड़कर परी के पास चली आती है। क्यों रे परी, अब ज्यादा जुबान चल रही है ना तेरी। ऐसा बोलकर शिवानी उसके गाल पर इतने जोर से चाटा मारती है कि उसकी पांचों उंगलियां उसकी गाल पर साफ दिखाई देती है। परी बहुत रोने लगती है और रोते रोते अपना काम करने लगती है। काम हो जाने के बाद परी किचन में जाकर खाना पकाने के लिए चली जाती है और तभी उसके हाथ से दूध नीचे गिर जाता है। अरे करमजली, अब क्या मेरा नुकसान करके छोड़ेगी क्या, ये देखो कितना दूध गिरा दिया तुमने। ये सब देख बड़े गुस्से में शिवानी वहां रखी हुई कलची को गैस पर गरम करके परी के हाथ को चटका लगा देती है। उसे बहुत दर्द होता है, वो बहुत जोरों से चिल्लाती है और अपने कमरे में रोती रोती चली जाती है और वहां जाकर सो जाती है।
कुछ देर में सचिन घर आता है तो उसे परी दिखाई नहीं देती। वो शिवानी से, अरे शिवानी, परी कहाँ है? वो खाना नहीं खाएगी? अजय आज खेल खेल के बहुत थक गई थी, इसीलिए परी खाना खा के जल्दी सो गई है। अच्छा। सचिन खाना खाकर सो जाता है, लेकिन उसे उस रात अच्छे से नींद नहीं आती, तो वो परी को देखने उसके कमरे में चला जाता है। तभी उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। परी का बदन बुखार से गर्म था और परी के गाल पर उंगलियों के निशान थे और हाथ जला हुआ था। ये सब देख सचिन हैरान हो जाता है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तभी उसने परी को उठाकर बुखार की दवाई दी और उसके साथ वही सो गया। अगले दिन सचिन परी से, बेटी ये तुम्हें क्या हुआ है, मुझे बताओगी? कुछ नहीं पिताजी, वो मैं किचन में कुछ करने गई थी तो मुझे कुकर का चटका लग गया। और ये गाल पर क्या हुआ है बेटा, किसने मारा है तुम्हें? वो पिताजी, मैंने होमवर्क ठीक से नहीं किया, इसीलिए मेरी टीचर ने मुझे मारा। अच्छा, लेकिन परी बेटे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना अभी? हाँ पिताजी, मुझे अच्छा लग रहा है, आप ऑफिस जाइए। सचिन हाँ कहकर ऑफिस जाने के लिए निकलता है, मगर उसका मन आज कुछ अलग कह रहा था। सोचते सोचते सचिन घर से निकल जाता है और बाहर जाकर घर के बाहर से घर पर नजर रखता है कि परी के साथ हो क्या रहा है। सचिन के जाने के बाद थोड़ी ही देर में शिवानी वहां आती है। क्यों री, तुम्हें समझाया था ना कि पिताजी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और तूने सब कुछ बता दिया। हाँ, अब तो रुक, देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। ऐसा कहकर शिवानी फिर से अपना हाथ परी पर उठाती ही है, तभी सचिन घर में आ जाता है और शिवानी से, अच्छा तो ये बात है, मैं सोच ही रहा था परी आजकल मायूस क्यों रहने लगी है, मेरी बच्ची पर तुमने हाथ कैसे उठाया शिवानी? अजय आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शिवानी मुझे सब पता चल गया है, अब झूठ मत बोलो, समझी? सचिन को इतना गुस्से में देख शिवानी चुपचाप खड़ी रहती है। तभी सचिन परी को पास लेकर, ये मेरी बेटी है शिवानी, तुमने इस पे हाथ कैसे उठाया, और तो और उसके हाथ को भी जला दिया, तुम्हें कुछ समझ में आता है भी या नहीं? बस बहुत हो गया, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती, समझी? अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। नहीं पिताजी, मासी कहाँ जाएगी, उसे माफ कर दीजिए ना। ये सब सुनकर शिवानी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सचिन से माफी मांगती है और परी से भी माफी मांगती है। तुम दोनों मुझे प्लीज माफ कर दो। तुम निकलो मेरे घर से चुपचाप। नहीं पिताजी, वो मेरी माँ है, मुझे मेरी माँ चाहिए और मेरा छोटा भाई भी चाहिए। अरे शिवानी, मेरी बेटी की सोच तो तुमसे बहुत अच्छी है, तुम तो स्वार्थ में अंधी हो गई थी, मगर मेरी बेटी वो तो तुम्हें अभी भी अपनी माँ ही समझती है। शिवानी अब फूट फूट कर रोने लगती है और परी को गले लगा लेती है और सचिन से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी, मैंने लालच में मेरी फूल जैसी बच्ची पर बहुत अत्याचार किया है, मुझे माफ कर दो मेरी परी। माँ तुम माफी मत मांगो, पिताजी माँ को माफ कर दो ना प्लीज। परी बेटे, सिर्फ तुम कह रही हो इसलिए मैं इसे माफ कर रहा हूँ। परी और शिवानी गले लगकर बहुत रोते हैं। अब परी को उसकी माँ जो मिल गई थी, उस दिन के बाद से शिवानी का रवैया परी के प्रति पूरी तरह से बदल जाता है, अब वो एक खुशहाल परिवार बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। सौतेली बहन की खूबसूरती। सुंदरपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी जानकी और उसकी दो बेटियां रहा करती थी। एक का नाम था गीता, दूसरी का नाम था बबीता। गीता राघव के पहले पत्नी की लड़की थी, इसीलिए उससे हमेशा रूठा हुआ व्यवहार किया करती थी। उसे गीता पसंद नहीं थी। एक दिन जानकी गीता से, अरे ओ गीता, कहाँ मर गई, यहाँ सारे काम पड़े हैं। जी माँ, आपने बुलाया, क्या काम है? यहाँ कितने सारे काम पड़े हैं, और तो और बबीता को अच्छा भी नहीं लग रहा। क्या हुआ है माँ बबीता को? मुझे बाजार जाना है, तो ये सब घर के काम तुम कर लेना। जी माँ, मैं ये सब काम कर लूँगी। मेरे आने तक घर के सारे काम हो जाने चाहिए, समझी? जी माँ। ऐसा बोलकर जानकी वहाँ से बाजार के लिए निकल जाती है और गीता घर में सब काम करने में जुट जाती है। बहुत काम करने की वजह से गीता थक गई। कुछ देर आराम करने के लिए
वो उसकी मनपसंद जगह जाती है जो कि एक बहुत पुराना पेड़ था। उसके नीचे जाकर गीता आराम करने लगती है और वही बैठे बैठे सोच में डूब जाती है। मेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता, मैं कभी उसकी कमी महसूस नहीं करती, वो मुझे कितना प्यार करती। ऐसा बोलकर गीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सोच में डूबी ही थी तभी उसके कानों पर उसके पिताजी की आवाज पड़ती है। अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो, अकेले ही बैठी हो, क्या हुआ? कुछ नहीं पिताजी, माँ की याद आ गई थी इसीलिए यहाँ आकर बैठी हूँ। अच्छा, चलो घर, शाम होने को है। जी पिताजी। ऐसा कहकर गीता अपने पिताजी के साथ घर जाती है। घर जाते ही जानकी उसे बहुत खरी खोटी सुनाती है। अरे कलमुही, मेरी बच्ची को अच्छा नहीं लग रहा है और तुम हो कि यहाँ से चली गई, उसे कुछ हो गया होता तो। आज गीता भी चुपचाप सब सुन लेती है क्योंकि वो भी बबीता को घर में अकेला छोड़कर चली गई थी। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कितना बोलोगी बच्ची को। हाँ हाँ, आप तो उसी की बाजू लेंगे, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, समझी? जी माँ, मैं याद रखूंगी। ऐसा कहकर गीता वहाँ से काम करने चली जाती है। बबीता उसकी माँ से, माँ तुम उसे कुछ भी नहीं कहती लेकिन मेरा कुछ गलत लगा तो हमेशा मुझे डांटती हो। अरे नहीं रे मेरी लाडली बिटिया, ये सब इसे सिखाने के लिए है, इसलिए मैं थोड़ा शांति से ले रही हूँ, तुम चिंता मत करो। मगर माँ आप ऐसा क्यों कर रही हो? वक्त आने पर सब बता दूंगी, उसको उसकी सुंदरता पर बहुत गर्व है ना, अब देखो कितना परेशान करती हूँ। ऐसा सोचकर जानकी अपना व्यवहार गीता के प्रति और सख्त कर देती है। अब वो घर के सारे काम उसे बोलती थी और खुद आराम करती थी। उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे ही एक दिन जानकी गीता से, तुम्हें ऐसा लगा कि तुम मेरी बेटी से सुंदर हो तो तुम कुछ भी कर सकती हो, मगर जान ले जब तक मैं इस घर में हूँ तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला, समझी? मगर माँ मैंने किया क्या है जो आप मुझे हमेशा खरी खोटी सुनाती रहती हो? तेरा खूबसूरत होना ही तेरा अभिशाप है, इसीलिए तो तुझे जन्म देते ही तेरी माँ मर गई। अब ज्यादा बकवास मत कर, बहुत सारे काम बाकी है। गीता अपने आंसू पोंछते हुए वापस काम पर लग जाती है। काम करते करते उसके मन में विचार आता है, ये माँ मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है, मेरी खूबसूरती इनकी आंखों में छुपती है इसीलिए मुझे हमेशा ऐसा कहती रहती है, हमेशा काम में व्यस्त रखती है। मेरी माँ अगर होती तो ऐसा कभी ना होता और मुझे कोई ऐसा काम भी नहीं करना पड़ता। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए मगर जानकी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, इसी कारण गीता बहुत परेशान रहने लगी। ऐसे ही एक दिन जानकी गीता को बहुत खरी खोटी सुनाती है। उस दिन विचार में व्यस्त होकर गीता घर के बाहर पड़ती है। रोते रोते वो रास्ते से चल रही थी तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा दिखाई दिए। प्रणाम साधु बाबा। कहो बेटी क्या काम है, बड़ी चिंता में डूबी हुई दिखाई दे रही हो। बाबा हम जैसे सोचते हैं वैसा होता क्यों नहीं है, मेरी माँ मेरी सुंदरता से बहुत जलती है और मेरी बहन बबीता दिखने में इतनी सुंदर नहीं है, इसी के कारण वो मुझसे जलती है, अब मैं क्या करूँ। ऐसा कहकर गीता फिर से रोने लगी। अब साधु गीता से, मेरी बच्ची रोना बंद करो, ये लो ये थोड़ा जल है, इस कमंडलू का ये पानी तुम्हारी माँ को देना, इस पानी से चेहरा बदल जाता है। अब साधु बाबा वो कमंडलू उसे देते हैं और कहते हैं, बेटी ये जल जादुई जल है, इसके प्रभाव से चेहरे में परिवर्तन आ जाता है, इसी वजह से जिस व्यक्ति के ऊपर इसका प्रयोग होगा वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगेगा, मगर इस जल का दो बार प्रयोग करने से उसका चेहरा बिगड़ जाएगा, ये बात याद रखना। अब तुम ये जल अपनी माँ को देना, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर गीता वहां से चली जाती है और वो कमंडलू साथ लेकर अपने घर आती है। इधर जानकी बहुत गुस्से में उसकी राह देख रही थी, जैसे ही उसे गीता दिखाई दी। गीता कहाँ चली गई थी, सच सच बता नहीं तो बहुत डांटूंगी। माँ मैं गांव के बाहर जा रही थी तभी मुझे एक साधु बाबा दिखाई दिए और उन्होंने मुझे ये जल दिया है, ये जल जादुई है, इसका एक बार चेहरे पर प्रयोग करने पर उस व्यक्ति का चेहरा बहुत खूबसूरत हो जाता है। क्या कह रही हो, दिखाओ वो पानी। हाँ माँ हम इसका प्रयोग बबीता पर करके देखेंगे। ये जल मेरे पास दे और तू यहाँ से चली जा। अब जानकी उस जल को देखती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। वो जल लेकर जानकी अपनी बेटी बबीता के पास जाती है।
अरे बबीता उठो, देखो मेरे पास क्या है। क्या है ये माँ? ये जादुई जल है, जो भी इसे चेहरे पे लगाएगा उसका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। चलो अब तुम इसे लगा कर देखो। ऐसा कहकर बबीता अपने चेहरे पर वो जादुई जल लगा कर देखती है। वो सच में बहुत खूबसूरत दिखने लगती है। उसकी माँ भी उसे देखती ही रह जाती है। जानकी बहुत खुश हो जाती है और उसे खुश देख गीता भी बहुत खुश होती है। अब जानकी का गीता के प्रति रवैया बहुत बदल गया। वो उससे अच्छे से बर्ताव करने लगी। मगर बबीता को अपनी खूबसूरती पर गर्व होने के कारण एक दिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना मैं और एक बार फिर से उस जादुई जल का प्रयोग करूं, इससे मैं और खूबसूरत दिखूंगी। ऐसा सोचकर बबीता एक और बार उस जल को अपने चेहरे पर लगाती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बहुत बदसूरत बन जाता है। वो अपना ही चेहरा आईने में देखकर बहुत घबरा जाती है। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? मेरा चेहरा इतना खराब कैसे हो गया? अब मैं क्या करूं? अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुन गीता और जानकी बाहर आती है और उसका चेहरा देख दोनों भी खड़ी की खड़ी रह जाती है। उसका इतना खूबसूरत चेहरा इतना बदसूरत दिख सकता है, इसका विचार भी किसी ने नहीं किया था। माँ ये देखो ये क्या हो गया, मेरा चेहरा देखो ना कैसे हो गया। ये कैसे हो गया? तुमने इस जादुई जल का फिर से प्रयोग किया क्या? हाँ माँ। अरे मूर्ख, तुमने खुद से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, अब भुगतो। गीता ये जल कहाँ से लाया था? चलो हम अभी के अभी उस साधु बाबा के पास चलते हैं। जी माँ चलो, मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगी। अब गीता बबीता और जानकी तीनों उस साधु बाबा के पास जाते हैं। बाबा प्रणाम, हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हमें इसका मार्ग दिखाइए, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। मैंने पहले ही बोला था कि जादुई जल का प्रयोग सिर्फ एक बार करना है, बार बार करने से सुंदरता नष्ट हो जाएगी। बाबा उसकी गलती हो गई, मगर उसकी गलती सुधारने का कोई तो उपाय होगा, कृपा करके बताएं। अब तुम्हें वो जादुई चेहरा वापस नहीं मिल सकता, मगर तुम्हारा जो पहले वाला चेहरा है वो मैं वापस दे सकता हूँ। बाबा वो भी चलेगा, आप सिर्फ इसको अच्छा बना दीजिए। साधु बाबा हाथ में पानी लेकर मंत्र उच्चारण करते हैं और बबीता के चेहरे पर जल छिड़कते हैं। तभी बबीता का चेहरा पूर्ववत हो जाता है। धन्यवाद साधु बाबा, मैं सुंदरता में अधिक अंधी हो गई थी, मैं जैसी हूँ वैसी ही अच्छी हूँ। धन्यवाद बाबा, मैं आपके आभार कैसे मानूं, समझ नहीं आ रहा। अब मुझे मेरी दोनों बेटियाँ एक समान है, अब मैं इनमें भेदभाव नहीं करूँगी। मेरे भगवान ने मुझे बहुत अच्छी बेटियाँ दी है, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। ये सब सुनकर गीता की आंखें भर आती है। अब जानकी अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से चली जाती है और आजीवन उन्हें ढेर सारा प्यार देती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा दूसरों की भलाई करनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए।